हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में। ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का हम स्टडी करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं अपने TDP के बुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा भूल गया है, नहीं हमको याद था, भूल गया है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में एक बार देख लीजिएगा। आज हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर के बारे में पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है और ये कैसे जो है स्किन इफेक्ट को कम करता है, ये बात हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें। अगर हम किसी भी तरह से इफेक्टिव एरिया को बढ़ा दें, इफेक्टिव एरिया जो कम हो रहा था, जिससे रेसिस्टेंस आपका बढ़ जा रहा था, पावर लॉस ज़्यादा हो रहा था, अगर उसको हम किसी भी तरह से मैनेज कर दें तो होगा क्या, हमारे स्किन इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे, देखिए अब जो है जब हम इस तरह का गुलछा हुआ कंडक्टर यूज करेंगे, ठीक है, एक दूसरे पर उलझा हुआ कंडक्टर जब हम यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स। मतलब क्या है, आप वो जो लाइनें हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन है, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर, उसको देखिए थोड़ा सा काट करके, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंडक्टर एक दूसरे के ऊपर लपेटे गए होते हैं, तो हर एक कंडक्टर को स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, अब इन सारे कंडक्टर पर स्किन इफेक्ट का प्रभाव हो जाता है, सारे कंडक्टर पर। ठीक है, इन सारे कंडक्टर पर स्किन इफेक्ट का प्रभाव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हो क्या गया यहाँ पे, अब पहले की तुलना में अब जब करंट अब ज़्यादा एरिया में फ्लो होने लगे, इन सारे एरिया को अगर मिलाया जाए तो हम देखेंगे कि करंट जो है, अब इनका करंट फ्लो होने की जो अब एरिया है, इफेक्टिव एरिया, अब वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अरे यहाँ भी फ्लो हो रहा है, यहाँ भी फ्लो हो रहा है, इस सारे एरिया को अगर मिलाए तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो रेसिस्टेंस कम हो गया तो पावर लॉस क्या हो गया, कम हो गया। पावर लॉस कम हो गया तो एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। पावर फैक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। हमें यही ना चाहिए, इसी को क्या करना था, हमें मेंटेन करना था। जो स्किन इफेक्ट हो रहा है उसी को मेंटेन करना था, जो इसके बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं उसी को मेंटेन करना था। तो ऐसे हमने किया, तो एरिया बढ़ी, रेजिस्टेंस कम हुआ, पावर लॉस कम हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी, पावर फैक्टर बढ़ गया। देखिए एक चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर स्किन इफेक्ट से ज़्यादातर पूछा जाता है, जिसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज्ड होते हैं, जैसे ये कि सर आपने बताया कि जो इंटरनल रिएक्टेंस है वो रिएक्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक जगह दिया हुआ है कि इफेक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाता है, ऐसा क्या मतलब है इन दोनों का, इन दोनों का मतलब है। देखिए जब स्किन इफेक्ट स्टार्ट होगा उस समय इंटरनल रिएक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाता है। स्टार्ट के समय जब शुरुआती स्थिति में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन जब स्किन इफेक्ट हो करके ख़त्म हो जाता है, मतलब करंट सरफेस पे आ जाती है, तो उस समय बीच में करंट होता नहीं है, बीच में फ्लक्स भी नहीं होता। और जब फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा कंडक्टर के बीच में, जब फ्लक्स रिड्यूस होगा तो इंडक्टेंस रिड्यूस होगा, और इंडक्टेंस रिड्यूस होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। जब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछा है, तो रिजल्ट ऑफ स्किन इफेक्ट के रिजल्ट जब मिलता है, फाइनल जब होता है स्किन इफेक्ट, उस समय इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस क्या होता है, तो उस समय इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में इसका मान बढ़ जाता है, लेकिन अंत में देखेंगे इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं जिसको इसका मान अधिक मार के चले जाते हैं, जब रिजल्ट पूछेगा तो ये इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस कहलाएगा तब। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसको आप जरूर ध्यान दे दीजिएगा। ये पिछले लेक्चर में बताना चाहिए था लेकिन छूट गया था। तो यहाँ देखिए मैंने आपको यह बताया स्ट्रैंडेड कंडक्टर, अब जो स्ट्रैंड्स हैं इनकी संख्या कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेंड्स की संख्या हम निकालते हैं n बराबर 3x² + 3x + 1 से। ठीक है, वेयर x इज क्या है, नंबर ऑफ लेयर। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर मतलब अगर हम एक लेयर की बात करें, एक लेयर मतलब वही कंडक्टर जिसको हमें स्ट्रेंड्स फॉर्म में करना है, मतलब एक ही कंडक्टर है उसके ऊपर किसी तरह का हमने एक दूसरे के ऊपर उलझाया नहीं। ठीक है,
मतलब एक ही कंडक्टर है सिंपल, ठीक है। तो एक कंडक्टर का मतलब एक लेयर, और जब एक कंडक्टर जो हो गया ये, तो हो गया क्या, एक लेयर हो गया। और एक लेयर फॉर वन लेयर के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होती है, ये ध्यान दीजिएगा। एक लेयर के लिए एक्स की वैल्यू जीरो, दो लेयर के लिए एक्स की वैल्यू वन, थ्री लेयर के लिए एक्स की वैल्यू टू, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो फॉर वन लेयर यहाँ लिख दीजिएगा फॉर वन लेयर, ठीक है। एक लेयर के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो एन बराबर क्या आएगा, वन आएगा। यानी कि एक लेयर में केवल एक ही कंडक्टर, एक ही स्ट्रेंथ्स आएंगे, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक। और एन बराबर एक हो गया। डायमीटर का जो फार्मूला होता है, अगर एक लेयर की बात करें हम, तो डायमीटर का जो होता है वो होता है टू एक्स प्लस वन इंटू डी, ठीक है। अगर हम एक कंडक्टर की बात करें तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका जो डायमीटर आएगा फॉर वन लेयर, फॉर वन लेयर एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो डायमीटर क्या आएगा, डाया क्या आएगा, केवल डी आएगा। यानी कि एक कंडक्टर की बात करें तो इसका डाया क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा बस। पर्टिकुलर एक कंडक्टर के लिए, एक लेयर के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों में, इसमें भी डायमीटर निकालने में भी और नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स निकालने में भी, ठीक है। लेकिन लेयर जब एक से दो हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। तो एक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रिमूव करके हम दो लेयर के लिए बता देते हैं। हाँ देखिए, अब फॉर टू लेयर, फॉर टू लेयर यानी कि दो लेयर के लिए क्या होगा, दो लेयर के लिए x की वैल्यू क्या होगी, पुटिंग x इक्वल टू वन, तो n इक्वल टू क्या होगा, एक n थ्री प्लस थ्री प्लस वन, नहीं कितनी होगी, सेवन स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है। तो दो दो लेयर के लिए, तो एक लेयर दो लेयर, तो दो लेयर में देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन स्ट्रैंड्स आपको मिल गए, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा, तीन लेयर होगा तो स्ट्रैंड्स कितने होंगे, डायमीटर क्या होगा। और डायमीटर अगर आपको निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे क्या, फॉर टू लेयर, फॉर टू लेयर के लिए, फॉर टू लेयर के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक होगी, तो टू यानी कि डायमीटर क्या होगा आपका, थ्री डी होगा। तो देख लीजिए डी 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 थ्री डी हो गया डायमीटर, डी 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 थ्री डी हो गया, डी 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 थ्री डी हो गया, यानी कि डायमीटर अब क्या हो जाएगा, थ्री डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप फोर फाइव सिक्स लेयर के लिए आप निकाल के बताइएगा, ठीक। एक्स की वैल्यू जितना लेयर कहेगा उससे एक कम होगा, इसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था स्टैंडर्ड कंडक्टर, इसका यूज क्यों करते हैं, इससे कैसे इफिशियंसी बढ़ जाती है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। और फिर हमने आपको क्या बताया, अगर इन स्ट्रैंड्स की संख्या निकालनी हो उसको फार्मूला क्या होता है, अगर डायमीटर निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको 50 सब्सक्राइबर इंक्रीज करने होंगे, चाहे जैसे भी आपको करना है, बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके बाद हम आपको GMD, GMR, सिमेट्रिकल स्पेसिंग, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, अनसिमेट्रिकल में ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, पश्चांतरण क्यों कहते हैं, फिर आपको कोरोना इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, क्यों होता है, उसका रीजन मुख्यतः वेस क्या है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके संबंधित बहुत सारे टर्म हैं जिसको हम आपको बताएंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आपको कोरोना इफेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइबर इंक्रीज करिए, व्यूअर बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, फिर हमसे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। जब सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे, व्यूअर नहीं रहेंगे, तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है, अंदर से ऐसा लगता है कि हम बिना मतलब का काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।